देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे और ये देख सकते हैं सामने जहाँ पे इलेक्ट्रिक पिलर्स इस जो ट्रैक है ट्रैक के बीच में जो जगह है वहाँ पे लगाए गए। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। FOB ये आया सामने, ये भी बहुत जल्द हमें कंप्लीट देखने को मिलेगा। देखिए ये टनल है मेन टनल जो कि सावलाकोट में जाके निकलेगा। हेलो जी, स्वागत प्रणाम आपका एक और नए व्लॉग में। जम्मू कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे खूबसूरत गांव से। तो फ्रेंड्स, आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने में अगर मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है, पहली सीरीज एपिसोड जो चिनाब रिज का था, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो इसी व्लॉग में आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ डोगा रेलवे स्टेशन की, जिसका बहुत सारा काम पेंडिंग है और बहुत सारा काम जो है हो भी चुका है। तो क्या काम चल रहा है ब्लॉग को पूरा देखें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड एपिसोड में आपको देने वाले हैं अपडेट हम डोगा रेलवे स्टेशन की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पर, एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ के अब इधर से जाएंगे डोगा। और हमारे पीछे जो व्यू आ रहा है ये देख सकते हैं चिनाब ब्रिज का। ये भाई ये है चिनाब ब्रिज और ये यहाँ की इससे जो बिल्डिंग्स थी वो डिसमेंटल कर दी हैं और अब तकरीबन काम हो ही चुका है। और ये देखिए हमारे चिनाब ब्रिज का नज़ारा दूर से, तो वहाँ पे लुक का काम डालने का काम किया जा रहा है। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी इस जगह पर और यहाँ पर भी। अभी हम पहुंच चुके हैं डोगा रेलवे स्टेशन पे और दिखाने वाले हैं आपको डोगा रेलवे स्टेशन की क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, गाड़ी भी हमारी ख़राब हो गई, मिनी बस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये है डोगा रेलवे स्टेशन। तो क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट है, आपको अच्छे से अच्छे विजुअल देने वाला हूँ आज। चैनल में बने रहे, वीडियो पर नए हैं चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए ये वर्किंग इनकी जो ऐसे वर्किंग हाउस होते हैं वो है, और उसके बाद जो ये रहा मेन स्टेशन डोगा रेलवे स्टेशन, इसका भी काम तकरीबन हो ही चुका है। तो क्या हुआ है क्या नहीं, फिलहाल तो अभी हम नीचे जाके आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो आप लोग फिर से बोलते हो कि काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा, ये देख सकते हैं। और ये पहाड़ों की शक्ल देखें आप, स्लाइडिंग वाले पहाड़ हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, अब आपको तफसील से समझाते हैं और दिखाते हैं गुड व्यूज़। भाई साहब ये जो आप टनल देख रहे हैं ना, ये टनल निकला है जो चिनाब ब्रिज से जहाँ हम एंटर दिखाया था टनल 6 तो था, ये वही टनल है जो डोगा रेलवे स्टेशन में आके निकला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी काम स्पीड से किया जा रहा है, और साथ में देखिए यहाँ पे एंगल लगाए जा रहे हैं जो आपको इलेक्ट्रिक पिलर बीच में लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पिलर। ये देखें अभी आपको ऊपर जाके दिखाएंगे, सब जगह पर इलेक्ट्रिक पिलर लगाए जा रहे हैं बीच में, और साथ में एक शेड इसके ऊपर जो है रूफ टॉपिंग की जाएगी ऐसे बिल्कुल एक शेड की तरह। तो चलिए नीचे भी हम पहुंच चुके हैं नीचे, और ये देख सकते हैं सामने जहाँ पे इलेक्ट्रिक पिलर्स इस जो ट्रैक है ट्रैक के बीच में जो जगह है वहाँ पे लगाए गए हैं। और ये देखिए इनके ऊपर एंगल भी डाले गए हैं ताकि इनको हम रूफ टॉपिंग कर सकें, अच्छे से शेड जो है डाल सकें। ये देखिए यहाँ पर भी काम मुकम्मल हो चुका है डोगा रेलवे स्टेशन का। तो ये रहा इसका मेन टनल, वहाँ तक अगर जाने देंगे तो जाएंगे हम। देखिए सात वाले इलाके इसके, ये डोगा रेलवे स्टेशन, और ये जो है ऊपर रहने वाली बस्तियाँ बनाई गई हैं, और ये मेन रोड है और ये डोगा रेलवे स्टेशन, और साथ में वहाँ पे ये देखिए आपने मेरे को कई बार बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सात वाली पहाड़ियाँ दिखाया करें, सात वाले इलाके। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है इधर से डोगा रेलवे स्टेशन का व्यू, और FOB यहाँ पर भी बनाया जा रहा है, आपको दिखा दूँ वो, देखिए जूम करके दिखाता हूँ अभी, FOB बनाया जा रहा है इधर भी। और ये देखिए और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। देखिए भैया डोगा रेलवे स्टेशन, अभी यहाँ पे बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप स्टेशन की सफाई देख सकते हैं, और यहाँ पे इंजन जो है इस रूम में इंस्टॉल किए गए हैं, और सफाई देखें, और टनल नंबर वो कौन सा है वो दिखाते हैं आपको डोगा वाला आगे।
जो जाएगा सावलाकोट की तरफ। ये निकला जो मैंने पीछे आपको ये वाला टनल दिखाया, ये जो आया ये चिनाब ब्रिज से आया, और ये जो जाएगा, ये जो टनल जाने वाला है ये जा रहा है सावलाकोट की तरफ, और इसका भी काम आपको आगे आके दिखाने वाले हैं। ये रहा जी टिकट घर FOB, ये आया सामने, ये भी बहुत जल्द हमें कंप्लीट देखने को मिलेगा। बोर्ड जुगा रेलवे स्टेशन के रखे हैं इधर, और ये रहे जी मशीनरी जो वर्क कर रही है। अभी भी रॉक बोल्टिंग थोड़ी सी तोड़ी जा रही है, उसको फिर से किया जा रहा है, बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। तो हर एक काम जो है वो बड़े बारीकी से यहाँ पे किया जा रहा है, देख सकते हैं डुग्गा रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए भाई डुग्गा रेलवे स्टेशन के खूबसूरत विजुअल्स और उसकी अपडेट। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं टनल की तरफ, जिसमें आप देख रहे हैं लाइटें जग रही हैं इस समय। देखिए ये टनल है, मेन टनल जो कि सावलाकोट में जाके निकलेगा, और ये देख सकते हैं डबल ट्रैक टनल है ये। वाह भाई क्या चीज लग रही है, और पानी का निकास इस तरफ से किया गया है। टनल में पटरी जो है वो बिछ चुकी है, साइड पे अभी एंगल नहीं लगे हैं, जो आपने पिछले हमारे वीडियो में देखे होंगे टनल्स पे लगे हुए हैं, ये साइड पे नीचे लगे हैं ये, ठीक है। और अभी भी काम जो है जारी है इस टनल का, तो बहुत ज़्यादा काम इतना पेंडिंग नहीं है। ये जो टनल आप देख रहे हैं ये जाके दोस्तों मिलेगा सीधा जाके सावलाकोट रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे कर्ब देख रहे हैं आप सामने एक, और ये रहा हमारा डुग्गा रेलवे स्टेशन। इलेक्ट्रिक पिलर्स पे वो आर्म्स नहीं लगाए गए हैं, और ना ही वो एंगल्स लगाए गए हैं, साइड पे देख रहे हैं आप, उनका काम नीचे चल रहा है, ये देखे रखे गए हैं नीचे, तो वो जल्द वो भी लग जाएंगे दोस्तों। तो लोकेशन देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी है, साइड वाले पहाड़ देख सकते हैं। आज मौसम थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कैसे ब्लर है थोड़ा, मतलब आज हेज है, साड़ों पर धुंध पड़ी हुई है आज पहाड़ों पे, जिसके कारण इतना साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी छोटे मोटे काम को यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं। देखिए भैया डुग्गा रेलवे स्टेशन। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं विशाल वर्मा मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।